सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में आपने देखा होगा कि गोकू और वेजिटा किस तरह से ग्रैंड प्रिंस से मीटिंग करने की तैयारी करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉड ऑफ येलो को, जो कि मम्मी गोकू को हराने के लिए वापस आ चुका है। और फिर हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि अपने ही दोस्तों पर ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, और उसका ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक था कि वो उससे किसी की भी जान ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो दोस्तों, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज आती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में, जहाँ पर बीरस के प्लैनेट पर आते हैं चैम्पा, सिड्रा, क्यूटेला, हेलस और इवान। गोकू बोलता है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, वाह। चैम्पा कहता है, तुम तो हमसे नाराज हो गए थे ना। गोकू बोलता है, हाँ मगर मैंने सोचा कि तुम लोगों से नाराज होकर मैं क्या करूँगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, ओह तो क्यूटेला भी यहाँ पर आया है, वेरी गुड। क्यूटेला कहता है, वेजिटा तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो। तभी वेजिटा कहता है, वो जगह तुम्हारी थी बट ये जगह मेरी है, इसलिए ज्यादा फुदको मत यहाँ, वरना यूनिवर्स 4 में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, तुम यहाँ पर ये करने नहीं आए हो, है ना। तभी हेलस कहती है, गोकू आज हम पहली बार ही तुम्हारे यूनिवर्स आए हैं, मुझे यहाँ आकर काफी खुशी हुई। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। गोकू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो वेजिटा? वेजिटा बोलता है, तुम हेलस से नजरें हटाओ और बाकियों पर ध्यान दो। हेलस कहती है, तो कहाँ है ग्रैंड मिनिस्टर? विश कहता है, वो बस आते ही होंगे, मैं उन्हें बोल कर तो आया हूँ। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप चलकर देखिए ना कि ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ रह गए। तभी बीरस कहता है, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, तुम मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो जैसे कि मैं कोई बोतल से निकला हुआ जिन हूँ। तभी वहाँ पर विश को ग्रैंड प्रिस्ट की प्रेजेंस नजर आती है, और वो कहता है, फादर यहाँ आ रहे हैं। गोकू कहता है, आने दो देख लेंगे। और अब वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो वेजिटा से बोलते हैं, तो गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स कहिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वेजिटा कहता है, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें शर्मिंदगी कैसी, आपने अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया है। तभी गोकू बीच में बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप ये क्या कह रहे हो, अभी तो हमने कोई बात ही शुरू नहीं की। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बात शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातें बिना बोले ही शुरू हो जाती है ना। चैम्पा कहता है, लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी गोकू कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ये मीटिंग तुम लोगों के बिना इनकम्प्लीट है। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपको मैंने यहाँ पर बुलाया और आप यहाँ पर आ गए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मीटिंग को शुरू करो। गोकू कहता है, ठीक है, तो सिड्रा मुझे बताओ कि क्या ग्रैंड मिनिस्टर के लगाए इल्जाम सही है या गलत। सिड्रा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, उनके सामने मैं उन्हें गलत कैसे कह सकता हूँ। गोकू कहता है, तुम ज्यादा मत घबराओ, यहाँ पर तुम्हें मैंने बोलने का चांस दिया है, इसलिए कहो। सिड्रा कहता है, हाँ ये गलत है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सिड्रा को गुस्से में देखते हैं। गोकू कहता है, लेकिन वो गलत कैसे हैं? तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सिड्रा बोलता है, हाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। गोकू बोलता है, तो फिर देरी कैसी? सिड्रा बोलता है, हम डिस्ट्रॉयर हैं, हम कितना काम करते हैं ये सब बातें एक डिस्ट्रॉयर ही जान सकता है, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर को अपने हिसाब से हमारा काम कम लगता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमसे ज्यादा काम मेरे पास है, बट ये सब मैं शो ऑफ नहीं करता। एक डिस्ट्रॉयर को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो अपने काम को प्रोफेशनली करता है।
तभी चैंपा कहता है, ग्रांड मिनिस्टर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक साथ सभी डिस्ट्रॉयर ने अपना काम नहीं किया। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ ऐसा ही है, तुम सभी एक दूसरे के दोस्त हो, इसलिए तुम सारे काम एक जैसा ही करते हो। तभी वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर आपकी बातों में कोई भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, क्या कहा तुमने? तभी गोकू बीच में बोलता है, अरे ग्रैंड मिनिस्टर, आप गलत समझ रहे हो। वेजिटा बोलना चाहता है कि एक साथ सभी डिस्ट्रॉयर गलत कैसे कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया था और वेजिटा के लिए एक ऑफर भी रख दिया था, तो मैं और कुछ नहीं कहने वाला हूँ। हेलस कहती है, गोकू ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह से तो इस बहस का अंत ही नहीं होगा। गोकू कहता है, तो चलो इस बहस को खत्म करते हैं। डिस्ट्रॉयर, आप सभी ग्रैंड मिनिस्टर से माफी मांग लो और ग्रैंड प्रिस्ट आप में से किसी को भी नहीं निकालेंगे। मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम ये नहीं कर सकते हो, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर जाने दीजिए ना, बच्चे हैं ये, और मल्टीवर्स के आप काम रुकवाने में कौन सा सही कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नो बिल्कुल नहीं, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तभी इवान कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, अगर आपको हम गलत लग रहे हैं तो ठीक है, हम लोग अपनी गलती मान रहे हैं, इसलिए आप हमें एक मौका दे दीजिए। गोकू बोलता है, देखिए अब तो डिस्ट्रॉयर ने भी माफी मांग ली है। ग्रैंड प्रिस्ट अब भी उनकी बात नहीं मानते। अब वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कह देता है, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? जब मैंने कह दिया कि उन्हें माफ कर दो तो करते क्यों नहीं हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम मुझे धमकाने के लिए यहाँ लाए हो। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि माहौल बिगड़ने वाला है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, और ये काम तुम्हारे बस की है भी नहीं। वेजिटा बोलता है, लगता है कि अब आप भूल गए हो कि मैं गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स हूँ, इसलिए मुझे भी सबका ध्यान रखना पड़ता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये मत भूलो कि मेरी ही वजह से तुम इस मुकाम तक आए हो। तभी वेजिटा गुस्सा होता है और कहता है, कैकरोट, अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। तभी गोकू बीच में आता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर शांत हो जाइए प्लीज, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपको भी इन्हें एक मौका देना चाहिए। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से भी नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम लोगों के पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे दबाओगे, और तुम शायद मेरे बारे में कम जानते होगे कि जब मैं किसी के साथ बुरा होता हूँ तो मैं बहुत ही बुरा हो जाता हूँ। और गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स, मैं आपको भी कुछ दिनों का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप इन्हें नहीं हटाते हो तो मुझे अपना कमबैक करना होगा। अब इतना कहकर ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा हमने गड़बड़ कर दी है। बीरस गुस्से में कहता है, शायद ग्रैंड मिनिस्टर नाराज हो गए हैं, और अगर वह अपनी पर आ गए तो तुम सब जानते हो कि वो क्या कर सकते हैं। गोकू कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, और मैं हूं ना यहाँ पर। तभी क्यूटेला कहता है, तो अब हमारा क्या फैसला हुआ? वेजिटा कहता है, तुम सभी अपने काम पर वापस जाओ और अपने काम को और बेहतर बनाओ, ताकि ग्रैंड मिनिस्टर तुमसे खुश हो जाएं। इसके बाद वो गॉड्स वहां से चले जाते हैं और अब सीन जाता है दूसरे वर्ल्ड में, जहां पर गॉड ऑफ येलो और वेयरवुल्फ मम्मी गोकू को ढूंढ रहे होते हैं। गॉड ऑफ येलो कहता है, लगता है कि वो बाहर नहीं आने वाला है, बट वो कभी तो बाहर आएगा और तब मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन तभी उनके सामने मम्मी गोकू आ जाता है और वो कहता है, तुमने क्या मुझे डरपोक समझ रखा है? मैं किसी से नहीं डरता, ये दुनिया मेरी है और यहाँ पर राज भी मेरा ही चलेगा। तभी वेयरवुल्फ कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। मम्मी गोकू कहता है, तुम जंगली जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और तुम ही नहीं, तुम्हारा ये गॉड भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ दी मम्मी गोकू।
इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। जैनो कहता है, डाई चलो हम खेलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी मेरा मूड नहीं है जैनो सामा, आप दूसरे जैनो सामा के साथ खेल लीजिए। जैनो कहता है, तुम आज काफी गुस्से में हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचते हैं और कहते हैं, कुछ दिन, बस कुछ दिन, उसके बाद मैं उन डिस्ट्रॉयर को एक एक करके खत्म कर दूंगा। जैनो कहता है, अरे तुम कहाँ खोए हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को गुस्से से देखने लगता है।